श्रीमद्भगवद् गीता दशमो अध्यायः। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यतेहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। नामे विदुः सुरगणः प्रभवं नामहर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम् असम्मूढः समर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत् एव प्रतिग्विधः। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा नाना प्रकार के भाव मुझसे होते हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। सात महर्षि जन, चार उनमें भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभुव आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अहम् सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्वितः। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है, इस प्रकार समझकर
श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्त जन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च माम् नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्त जन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम् ददामि बद्धि योगं तम् येन मामुपयान्ति ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् ज्ञानजम् तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवमजं विभुम्। आहुस्त्वा मृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण, सनातन, दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। सर्वमेत द्रितं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिम् वेदुर्देवानदानवः। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानम् वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान्
इमां स्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोसि भगवन् मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि श्रणवतो नास्ति मे मृतम्। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। हंत ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। अहमात्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ, तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। आदित्यानामहं विष्णुर् ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों की किरणों वाला सूर्य हूँ, तथा मैं 49 वायु देवताओं में मरीची नामक वायु देवता और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवनी शक्ति हूँ। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ, और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वासुओं में अग्नि हूँ, और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नामहं स्कंदः
सरसामस्मि सागरः। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझे जान, हे पार्थ मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षीणां भृगोरहम् गेरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। उच्चैः श्रवसमश्वानां विद्धि माम अमृतोद्भवम् एरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। आयुधानामहं वज्रम् धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। मैं नागों में शेष नाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैन्तेयश्च पक्षिणां। मैं दैत्यों में प्रह्लाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झक्षाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ।
अक्षराणां कारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। मैं अक्षरों में अकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब ओर मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा हूँ। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्ग शीर्षोहम ऋतूनाम कुसुमाकरः। तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्ग शीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं हूँ। द्योतम छलयतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम् जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववतामहम्। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुष्णा कविः। वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनम चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यस्य अन्या भूतं चराचरम्। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परन्तप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप में कहा है। यद्यद्विभूति मत्सत्त
त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्देवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। जो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। अथवा बहुनैतेन किम् ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्सन् मे कांशेन स्थितो जगत्। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण कर सकता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता एकादशो अध्याय। मदनुग्रहाय परमं गोह्यं अध्यात्म संगीतम् यत्तव योक्तं वचस्तेन मोहोयं विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वतः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। एव मे तद्यथातत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्यम् मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभो, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है ऐसा आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्त्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुत्स्तथा बहून्यदृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, मुझमें आदित्यों को अर्थात अदिति के द्वादश पुत्रों को, आठ वसुओं को, एकादश रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुद्गणों को देख तथा
और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। एह कस्थम जगत कृत्स्नम पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्रष्टमेच्छसि। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख। न तु माम शक्यसे द्रष्टम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है, इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, उससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। एव मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम्। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यान एकोद्यतायुधम दिव्यमाल्यांबरधरम दिव्यग्नधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवमनंतं विश्वतो मुखम्। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त अनेक अद्भुत दर्शनों वाले बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को अपने हाथों में उठाए हुए दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। देवी सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सास्यात् भासस्तस्य महात्मनः। आकाश में हजार सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। तत्रैकस्थं जगत् कृत्स्नम् प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। ततः स विसम्याविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। उसके अनंतर वह आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला। पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्त्वादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजोराशिम सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षयं समन्ताद् दीप्तान् लार्क द्युतिं प्रमेयम्। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वता धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रवयथितं महात्मन्। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमिहि त्वां सुर संघा विशन्ति केचित् भीतः प्राञ्जलयो गृणन्ति स्वस्ति युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़ आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या
विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्म पाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वायु साध्यगण विश्वदेव अश्विनी कुमार तथा मुरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहु बहुबाहु रूपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकः प्रव्यथितास्तथाहम्। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नवस्प्रशं दीप्तमनेक वर्णम् व्याताननम् दीप्त विशाल नेत्रम् दृष्ट्वा हित्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दंष्ट्रा करालानि चते मुखानि दृष्टैव कालान लसन्निभानि दिशो न जाने लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ, इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावनिपाल संघे भीष्मो द्रोणः सूत पुत्रस्तथासो सहस्मदीयैरपि योध मुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनांतरेषु संदृशयन्ते चूर्णितैरुत्तमांगे। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। यथा नदीनां बहवोम्बुवेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरक लोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति
नाशाय समृद्ध वेगः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगः। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। लेलीयसे ग्रस्मानः समन्ताल लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवो ग्रह प्रतपन्ति विष्णु। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आख्या ही मे को भवानुग्रह रूपो नमो अस्तु ते देव वर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्त माद्यम् नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। कालो अस्मि लोकक्ष कृत प्रवृद्धो लोकान् स्माहर्तुमिह प्रवृत्तः रिते अपि त्वाम् न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थितः प्रत्यनिकेषु योद्धः। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहतः पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यानपि योधवीरान् माया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्ध्यस्व जेतासि रणे सप्तनान्। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके
भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्तया जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघः। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अतिहर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। कस्माच्च तेन नमिरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणो अप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसतत् परम यत्। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए ये कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। त्वमादि देवः पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंतरूप। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं, आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्त्रकृत्वः पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार, नमस्कार हो आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार, नमस्कार। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमो अस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततो असि सर्वः। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप ही सर्वरूप हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहा सार्थमसत्कृतो असि विहार शय्य आसन भोजनेषु एको अत्वाप्यच्युत्तत् समक्षम् तत्क्षामय त्वामहं प्रमेयम्। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है,
और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्व गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतो वन्यो लोकत्रयप्यप्रतिम प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीण्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। अतएव हे प्रभो, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अदृष्ट पूर्वम ऋषितो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है, इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्त मिच्छामि त्वाम द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहु भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनंतमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपभिरुग्रहेह एवं रूपः शक्य अहम् रिलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। माते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रं ममेदं
व्यपेत भी प्रतिमानः पुनस्त्वम् तदेव मे रूप मेदं प्रपश्य। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथा उक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनम् भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। दृष्ट वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदूरदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम् दृष्ट्वानसि माम यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से न तप से न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। परंतु हे परन्तप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। मत कर्म कृन् मत परमो मत भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवत गीता द्वादशो अध्याय। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से
निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवित्ता कौन है? मैया वेश्य मनो ये मा नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्त तमामतः। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तयम् च कूटस्थमाचलम् ध्रुवम् सन्नियम् येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। क्लेशोधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसां अव्यक्ता ही गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत् परहा अनन्येनैव योगेन्मां ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्त जन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसां। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवासिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अथ चित्तम समाधातुम नाशक्रोशी मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो
मामेच्छाप्तुम धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यासे अप्य समर्थो असीमत कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अथैत दप्य शक्तो असि कर्तुम मद्योग माश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज ज्ञानाध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित स्वास्थ्य रहित सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित अहंकार से रहित सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चयः हर्षामर्ष भयो द्वेगे मुक्तो यह सच मे प्रियः। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। जो पुरुष आकांक्षा से रहित बाहर भीतर से शुद्ध चतुर पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यो न दृश्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति
शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्यः समे प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्ति मान मे प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं।